विधानसभा चुनाव बीतने के साथ ही गोरखपुर में विकास कार्यों पर निगरानी सख्त हो गई है। इसी क्रम में दिन रविवार को गोरखपुर के ई डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह सीवीजी सॉफ्टवेयर संस्था के साथ बैठक करते हुए कहा कि पहल कौन करे एक वेबसाइट है जिस पर लोग अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं, जिसमें सभी संबंधित अधिकारी को सूचित किया जा सकता है और समस्या को निस्तारण किया जाएगा। इस वेबसाइट को कुछ ही दिन में आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, पर यही का यही रुक जाएगा, वो तो पूरा फ्लो मेंटेन ही नहीं हुआ ना, जबकि होना ये चाहिए। और ऐसे सभी नए नामों के साथ है, आप हाईवे पे भी ट्रेवल करते हैं तो बड़ा देखेंगे स्लैब के नीचे अभी मलबा पड़ा होगा, वो क्लियर नहीं हुआ होगा। ये आपका अधिकार है, मतलब उस जगह के जो दुकानदार हैं, उस जगह के जो लोग हैं, उनका अधिकार है। और पीडब्ल्यूडी या जिस डिपार्टमेंट ने उसको बनाया उनका ये उत्तरदायित्व है, उनका ये कर्तव्य है। आप एक उसमें से वीडियो बनाए और डीएम साहब को वो कर दे, ट्वीट कर दे, हमें ट्वीट कर दे, जन सुनवाई पे डाल दे, खट से आप दूसरे दिन अगर वो काम शुरू ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए, और ज्यादा भी होगा वो। आप अभी जैसे गोरखपुर नोडल ऑफिसर डाल दें या गोरखपुर का कोई भी नंबर आप सर्च करेंगे तो हमारा नंबर खट से मिल जाएगा। तो हमें ऑल ओवर इंडिया से बुलाता हूँ, सब में मैं अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर डालता हूँ। तो एक अभी चुनाव के समय एक मैसेज वायरल हुआ था, ये भी आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, आपने इधर डाला नहीं, वो लाखों लोगों के पास पहुंच जाता है, लाखों लोगों के पास पहुंच जाता है। आप देखिए कि मैंने उस दिन जब अभी विधानसभा वाला चुनाव हो रहा था, खैर तो लोग जानकार हैं, लोग जानते हैं, लेकिन बस उनको कोई मतलब। और ये भी हो सकता है कि जब 4 महीने 5 महीने हम लोग इस पर काम कर लें तो कोई और ऐसा बंदा फील्ड में आ जाए जो हमसे बेटर आइडिया लेकर चला जाए। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह हूँ, एडीएम फाइनेंस हूँ, डिप्टी डीओ हूँ, और यहाँ पर जो कोविड के कार्य हैं या बाढ़ के कार्य हैं, आपदा के कार्य हैं, ये सब मेरा उत्तरदायित्व है कि इसके प्रति मैं जवाबदेह रहूँ। आज हम लोग छुट्टी के दिन यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, हमारे साथ सीबीजी सॉफ्टवेयर संस्था के लोग हमारे साथ हैं, जिसमें अमन चौधरी जी, नीरज चौधरी जी, ये दो लोग हैं, इनके साथ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, पहल कौन करे, ये पहल कौन करे एक हमारी वेबसाइट होगी, और इसमें आपका जो उत्तरदायित्व होगा वो ये होगा कि आपको आम दैनिक जीवन में चलते फिरते आपको कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ दिखाई पड़ती है और आपको लगता है कि इसके बारे में संबंधित विभाग को सूचित कर देने से कार्य हो जाएगा, तो हमें केवल आपको जागृत करना है, आपको एक जागरूक नागरिक बनाना है, एक कर्तव्य परायण नागरिक बनाना है। आप सिंपली इस साइट पर जाएंगे, देखेंगे तो और डिटेल आपको इस साइट पर मिल जाएगी। आज इसकी पहली बैठक है और हम इसके बारे में डिटेल आपसे बाद में शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।